This news bulletin is brought to you by Twice Health Formula के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोल। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़। मैं हूं तिहामा आजम। और मैं हूं राप्या जफर। खबरनगर के आगाज पर रुख करेंगे अमरीका, जहां मौसम के बदलते रंग, मलका कोहसार में गहरे काले बादलों के डेरे, मूनसून की बारिशों ने मरी के मौसम को एक नया रंग दे दिया। मलका कोहसार मरी में गहरे बादलों के डेरे, आसमान पर छाई हुई स्मोग ने सूरज को अपनी आगोश में छुपा लिया। मूनसून की बारिशों ने मरी के मौसम को एक नया रंग दे दिया। स्मोक ज्यादा होने के बाइस गाड़ियों का धुंध में चलना मुश्किल। इलाके में बारिशों की वजह से रोड पर फिसलन, धुंध के बाइस हादसात के खतरात बढ़ गए। खबर शामिल करेंगे चीचावतनी से, जहां कस्सोवाल के नवाही गांव 116-7CR में दो गरोहों के दरमियान मुसल्ला तसादुम के नतीजा में 7 साल शख्स जहां बहाक हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं महर शौकत जूता। जी बिल्कुल सही वाल, चिचावतनी कस्सोवाल के नवाही गांव 116-7R में दो ग्रुपों के दरमियान तसादम, डंडों और सोटों के वार से 60 साल शख्स जा भाग, बीवी और दो बेटे शदीद जख्मी, मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब। कस्सोवाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई के बाद नाश और जख्मियों को THQ हस्पताल चिचावतनी मुंतकिल कर दिया है। मैं आपको मजीद ये भी बता चलूँ कि जा भाग शख्स की शनाख्त वजीर अली सहू के नाम से हुई है। पुलिस जराए के मुताबिक सदीक सहू और उसके बेटों ने मामूली तनाजे पर वजीर अली को नाहक कत्ल किया है, जबकि बीवी और दो बेटों को शदीद जख्मी किया है। SHO थाना कस्सोवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरार मुलजमान को जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे कोर्ट राधा किशन से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार राशिद तुफैल और साबिक DIG राणा मोहम्मद असलम ने UC 115 गांव रूसा में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफा। कोर्ट राधा किशन के नवाई गांव रोसा UC 115 में अरसे दराज से बिजली की लटकती तारों और ट्रांसफार्मर न होने की वजह से अवाम को परेशानी का सामना था। अहले इलाका और साबका नायब नाजम राणा मोहम्मद ताहिर की खुसूसी कावज से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनमा सरदार मोहम्मद राशिद तफैल और साबका DIG राणा मोहम्मद असलम ने फौरी नोटिस लेते हुए गांव रोसा में 100 KV का न्यू ट्रांसफार्मर बिजली की पोल्स पर तारों का काम शुरू करवा दिया। अहले इलाका की आवाम ने सरदार मोहम्मद राशिद तफैल का शुक्रिया अदा किया। रुख करेंगे कहरोड़ पक्का का, जहां शहर और गिर्दोनवाह के लोग बहावलपुर आने जाने के लिए लकड़ी के बने पुल से गुजरने पर टैक्स भरने पर मजबूर। रिपोर्ट कर रहे हैं हसनैन खान रिंद। 21वीं सदी के इस दौरे जदीद में जहां दुनिया को चांद पर बसाने की बातें हो रही हैं, वहां पर मंगवानी और लोथरा के इलाके हासिल वाला कहरोड़ पक्का और गिर्दनवाह के लोग बहावलपुर आने जाने के लिए दरिया सतलुज को क्रॉस करने के लिए कई दहाइयों से अपनी मदद आप के तहत कश्तियों पर बने लकड़ियों के पुल का सहारा लेते हैं। तब्दीली सरकार ने नए टैक्स लगाते हुए कश्तियों पर बने हुए लकड़ियों के पुल का ठेका जारी कर दिया, जिसमें पैदल चलने वालों से 20 रुपये, मोटरसाइकिल सवारों से 30 रुपये, कार वैगन से 250 रुपये, जबकि ट्रैक्टर का 800 रुपये का शेड्यूल जारी करते हुए 14 लाख का ठेका जारी कर दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है। एक आदमान पुल है, वहाँ पे गवर्नमेंट की सहूलत है, वहाँ पे मोटरसाइकिल फ्री है, लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल के 30 रुपये और फी सवारी 20 रुपये, जो पैदल भी गुजरने वाला है वो भी 20 रुपये देता है। ऐसे इजाफी बोझ से तालीम हासिल करने वाले बच्चे और जनाजा लेकर जाने वालों को भी किसी किस्म की माफी नहीं दी जाती, जिससे मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में जब हमारा जाना होता है तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं, तो वो किराया भर के जाते हैं। उनसे 20 रुपये बंदे के और 30 रुपये मोटरसाइकिल के
वो किए जाते हैं, मसूल किए जाते हैं, की तरफ से मुतालबा करते हैं कि हमारे ऊपर से ये जो ठेका मुसलत किया गया है इसे ख़त्म किया जाए, हमें एक पुख्ता पुल दिया जाए ताकि रोज जो अमवात हो रही हैं ये इनसे हम बचा जा सके, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी आसानी से जा सके, उनका पढ़ाई जो है वो तारीख हो रही है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो वो टैक्स भर के जाएँ और जाकर वो तालीम हासिल कर सकें। मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए तब दिल्ली सरकार से मुतालबा किया है कि अगर गवर्नमेंट नया पुल नहीं बना सकती तो हम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ भी ना डाले। खबर शामिल करेंगे हवेली लक्का से, जहां स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। शीश महल होटल से 2 मन के करीब मुजरे सेहत गोश्त बरामद। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हैदर। हवेली लक्का में स्पेशल ब्रांच की निशानदाही पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। शीश महल होटल से 2 मन के करीब मदर सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गोश्त को तलब करके होटल को 2 दिन के लिए सील कर दिया। रुख करेंगे करमपुर का, जहां पुलिस का अनोखा कारनामा। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के डिप्टी अकाउंटेंट पर जानवर चोरी करने का झूठा मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात जानते हैं साहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना करमपुर के हदूद मौजा खरले खखानी के रिहायशी डिप्टी अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हसन रजाक ने दर्जनों अहले इलाका के हमरा पुलिस थाना करमपुर के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया के पुलिस थाना करमपुर ने इसके साबिक ससुराली रिश्तेदारों से मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर इसके खिलाफ जानवर चोरी के 2 झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर दिए। उसका कहना था कि मैं इंसाफ के लिए DPO ऑफिस भी गया मगर कोई सुनवाई ना हो सकी, पुलिस मुझसे पैसे तलब कर रही है जो मैं नहीं दे सकता। मजीद वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी समेत आला हुकाम से इंसाफ फराम करें। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। खबर नगर से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बोलाइन है। इसी के साथ राबिया जफर और तिहामा आजम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।